बुरकुंडा सौंदाडी जयनगर ग्राउंड में आज बर्ड्स 11 क्रिकेट क्लब और 11 के द्वारा कोरोना के दौरान एक खिलाड़ी चितरंजन दास की मृत्यु हो गई थी। इसी को लेकर आज क्रिकेट खिलाड़ी को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस खेल से जुड़े हुए दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, बेंगलोर, झारखंड, बिहार, अमेरिका समेत खिलाड़ी पहुंचे तथा सभी ने श्रद्धांजलि अर्पित कर उनकी याद में क्रिकेट मैच की शुरुआत की। बड़ी बात हम लोग के लिए, सब लोगों के लिए व्यक्तिगत बहुत बड़ी खुशी की बात है कि लमसम आज से 10 साल पहले जब बर्ड्स 11 पूरे इलाके में लोग जानते थे, आज उसके प्लेयर देश के कोने कोने से इस पंचायत में आए हैं। और यह ग्राउंड और भी अनेकों ग्राउंड में जो हम लोग खेला करते थे, इस ग्राउंड में हम लोग सब लोग खेल रहे हैं। बर्ड्स 11 वर्सेस ही बर्ड्स 11 मैच हो रहा है, कोई नए लोग नहीं आए। ये हमारे सब पुराने लोग हैं, कोई बड़े भाई हैं, कोई बराबर के लोग हैं, कोई छोटे हैं, और जो आज के युवा भी क्रिकेट खेल रहे हैं वो सारे लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। आज रविवार का दिन सौंदाडी के लिए ऐतिहासिक दिन है। जो हम लोग तरह तरह पेपर में सुनते थे कि यहाँ के लोग आए हैं, वहाँ के लोग आए हैं, और तरह तरह के पंचायतों में होता था, लेकिन आज इस सौंदाडी में ये सारे लोग आए हुए हैं, इसलिए हम लोग बहुत खुश हैं, बहुत इंजॉय महसूस कर रहे हैं और आज बहुत खुशी की बात है। इस कोरोना काल में हमारे प्रिय मित्र चितरंजन, जो कि हमारे साथ बहुत सालों से जुड़े हुए थे बचपन से, जो कि हमारे बर्ड्स 11 को बनाने में एक उनका महत्वपूर्ण योगदान था, और अपना ट्यूशन भी देते थे सब बच्चों को यहाँ पे। काफ़ी उनके बच्चे काफ़ी अच्छे जगह में आज पहुँच गए हैं, अच्छे अच्छे कंपनी में काम कर रहे हैं, अच्छे जगह पे हैं, और इस कोरोना काल में उनकी मृत्यु हो गई और हम लोग उससे बहुत ही दुखद हैं। और बहुत लोगों की भी अपनों को खोया हमने इस महामारी में, और हम सबसे प्रार्थना करते हैं भगवान से कि उनके परिवार को हिम्मत दे, सहन शक्ति दे, ताकि हम लोग इस मुसीबत समय को सह सकें। धन्यवाद। वर्तमान में आप तो कहाँ अभी रह रहे हैं? अभी मैं चेन्नई में रह रहा हूँ, इससे पहले अमेरिका में था, और 6 साल उससे पहले 2 साल मैं लंदन में था, यूके में। मैं आईटी में काम करता हूँ, अलग अलग कंपनी में काम किया हूँ, अभी चेन्नई में हूँ। फिर से वापस अमेरिका जाने का ये है, तो हम लोग का एक जो ये है, कहीं पे भी रहते हैं एक दूसरे से संपर्क में रहते हैं हम लोग, कहीं पे भी दुनिया में रहें, लोग अलग अलग आज के देशों में अलग अलग जगहों पर रहें, अलग अलग शहरों में हैं, अलग अलग क्षेत्र में हैं, सब लोग अपनी तरक्की कर रहे हैं, हम लोग और एक दूसरे से संबंधित हैं, सबसे कनेक्टेड हैं, और किसी भी जरूरत होती है, किसी भी तरह की किसी कोई मदद होता है, हम लोग एक दूसरे की हर तरह से मदद करते हैं, कोई कहीं भी रहे। जैसे यहाँ पे भी हनुमान मंदिर के लोगों का छत का ढलाई हो रहा था, तो चंदा के लिए बोला, सब लोगों ने अपना अपना जो भी है सहयोग दिया, और भी किसी तरह का सहयोग होता है, सब लोग हमेशा हमेशा तैयार रहते हैं, और एक बिना सोच कर, बिना किसी भेदभाव के हम लोग हर तरह में सहयोग करते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं, और कामना करते हैं कि आगे का भी हमारा जो नया जनरेशन है ये कंटिन्यू करे। अपना परिचय दीजिए। मैं चंद्रभूषण सिन्हा हूँ, मैं यहाँ पे बचपन से, हमारे पिताश्री यहीं पे कार्यरत थे सीसीएल में, तो हमारा पूरा जीवन यहीं पे बीता है, पढ़ाई लिखाई ही जेएम कॉलेज से किया है, सेंट्रल स्कूल जेएम कॉलेज से, फिर बाहर में पढ़ाई किया, एमसीए किया बैंगलोर में, और फिर मौका मिला तो आईटी इंडस्ट्री में, विप्रो में काम किया, डेल में काम किया।